हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ एक और जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयरन एंड फोलिक एसिड ओरल सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, ये आयरन सप्लीमेंट है जो बच्चों के लिए एक टॉनिक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आयरन फोलिक एसिड ओरल सस्पेंशन किन किन समस्याओं में काम करता है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। दोस्तों, एक स्टडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 58% बच्चे एनीमिया की समस्या से ग्रसित है। तो ऐसे में ये सप्लीमेंट आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करके एनीमिया की समस्या से बचाता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, बच्चों में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये एक ज़बरदस्त टॉनिक है। इसके अलावा दोस्तों, ये बच्चों में होने वाली स्किन समस्याओं को ठीक रखता है, खसरा और रतौंधी की समस्या से भी बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, मुंह के छालों को दूर करने के लिए भी ये सस्पेंशन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये बच्चों में भूख को भी बढ़ाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बच्चे पोषण की कमी के कारण धूल मिट्टी को खाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अगर आयरन और फोलिक एसिड सस्पेंशन के डोज की बात करें तो ये बच्चों के वजन और उम्र के अनुसार निर्भर करता है। इस दवा को कितने दिनों तक लेना है ये बच्चे की कंडीशन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस सप्लीमेंट को आप हमेशा डॉक्टर द्वारा तय की गई निर्धारित मात्रा में ही दें। वैसे दोस्तों, इसके सामान्य खुराक की बात करें तो 5 ml यानी कि एक छोटा चम्मच लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आयरन और फोलिक एसिड सस्पेंशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो टेबलेट के मुकाबले इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखे जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को इसे लेने से कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, मतली, उल्टी, सिर दर्द और स्किन संबंधी समस्याएं देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बुखार और नींद न आने की समस्या हो सकती है और बच्चों के मल का रंग काला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप इतना ध्यान दें कि इस सस्पेंशन के साथ में आप आयरन टेबलेट को नहीं दें, और अगर आपको इस दवा से कोई विपरीत परिणाम नज़र आता है तो आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।